मतलब वीजा वगैरह का मसला चल रहा है, तो इसमें पाकिस्तान को कोई फायदा है? मतलब जो पाकिस्तान से लोग, हाँ जी मैं पहुंच गया कनाडा पर लग नहीं रहा कनाडा। तो ये दोनों के लिए जो है वो काफी खतरनाक है। अब वो क्या कहेंगे जब नरेंद्र मोदी पैदा भी नहीं, तो उसे इतनी मोटी फाइल मांगते हैं वो लोग, ऐसे ही है एम्बेसी वाले, इतनी मोटी फाइल और उसके बाद रिजेक्ट करके मुंह पे मार देते फाइल। ये लोग जाएंगे, पाकिस्तानियों को अभी भी नहीं मिल रहे, पाकिस्तानी अभी भी घसीटे जा रहे हैं, उनको कोई भी नहीं ये हो रहा कि हाँ इंडिया इतनी बड़ी इकॉनमी है उसके सामने आप टक्कर रहे हो, तो अमेरिका को टक्कर दे रहा था, फिर कनाडा क्या चीज है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? सिद्रा। सिद्रा, एक छोटा सा इशू चल रहा है कनाडा और इंडिया का, दोनों के आपस में मतलब वीजा वगैरह का मसला चल रहा है, तो इसमें पाकिस्तान को कोई फायदा है? मतलब जो पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर रहे हैं उनको फायदा होगा? हाँ ये लोग जाएंगे, ये लोग मतलब इजीली जा सकते हैं। वैसे ये इंडिया और कनाडा का आपस में क्यों, इनके तो आपस में काफी ज्यादा बहुत भाईचारा था। देखिए पहली बात तो ये कि सबसे ज्यादा जो कनाडा है रेवेन्यू जनरेट करता था इंडियन स्टूडेंट्स से, ऐसे ही इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ने जाते थे, और कह लेंगे ऑलमोस्ट अप टू 7 बिलियन, ये 7 मिलियन आई थिंक उनके हैं जो स्टूडेंट्स वहाँ पर फीस पे करते हैं, क्योंकि उनके अपने स्टूडेंट लोकल इतनी फीस पे नहीं करते हैं, तो इंडियंस ही करते थे। तो इनका जो मेन वजह है वो खालिस्तान की वजह से चला कि वहाँ पर जो दो सिख थे उनको कह लेंगे टारगेट किलिंग के थ्रू मार दिया गया गैंग वॉर के अंदर, तो उनको लगता है कि भारत ने ये सारा कुछ करवाया और उनके मुल्क में ही ये सारी चीज़ें हैपन हो रही हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भैया आप मुझे प्रूफ वगैरह दें, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ ऐसा करवाया है तो ओके इन्वेस्टिगेट करवाएं, अगर लगता है कि मैं ही इस चीज़ के पीछे तो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। तो उसके बाद देखा काफ़ी टेंशन कनाडा और इंडिया के दरमियान में क्रिएट हुई, जिसकी वजह से वीजा सस्पेंड कर दिए गए हैं, भारत ने कर दिए, उन्होंने कहा कि कोई भी कैनेडियन भारत नहीं आ सकता। पता चल रहा है कनाडा और इंडिया का ये क्या हिसाब किताब है, ये तो आपस में बड़े मतलब गुटमिट था इनका, जैसे गिरमिट था लेकिन अब था अब है नहीं ना, एक हर चीज के एक वक्त होता है एक टाइम होता है। जैसे ही वो सिखों के जो रहनुमा थे उनका कत्ल हुआ है, उसके बाद आपस में दोनों ममालिक की आपस में काफी झगड़ा, आपस में काफी मामला खराब हो चुके हैं, एक दूसरे पर इल्जाम तराशी वगैरह कर रहे हैं। तो बात करें अब मोदी की, तो मोदी भी कह रहा है मुझे इसका कोई बाढ़ नहीं है, अगर तालुकात खराब करना चाहता है खराब करे, मुझे इनका इकोनॉमी है उनकी बहुत बड़ी, उनको भी बहुत बड़ी इकोनॉमी है, तो उनको उस चीज़ का कोई बाढ़ नहीं ले रहे। मुझे बताइएगा कि ये कनाडा का थोड़ा सा इशू चल रहा है इंडिया के साथ, वो क्या सीन है? मतलब ये हमारे ऊपर भी डाल रहे हैं, मतलब पाकिस्तान की वजह से खतल हो रहे हैं, क्या हो रहा है? नहीं नहीं ऐसा कोई इशू नहीं है, ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि इंडिया किस तरह से ग्रो कर रहा है, कनाडा में जो डियरनेस है, जितनी इन्फ्लेशन है वो सबको किसी से छुपा नहीं है हुआ। और जस्टिन ट्रूडो जो है ना वो एक कहते हैं ना जिसको येलो जर्नलिज्म और या फिर हम कह लें कि पूरी जो है ना सियासत खेल रहे हैं, पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, वो इस तरह से खेल रहे हैं कि हम सबको पता है कि इस वक्त इंडिया लैम लाइट में है और इंडिया का बस इस्तेमाल किया जा रहा है लैम लाइट में आने के लिए। यार इंडिया और कनाडा का वीजा इशू इस वजह से भी चल रहा है, अगर आपने प्रॉपर सुना हो तो वहाँ पे एक आदमी जो है वो भी मारा गया है, और उसका ये कहना है कि इंडिया, पता ये चला कि इंडियन एजेंट था वो, तो वो इस वजह से भी उन्होंने कह दिया कि हम इंडिया को नहीं वहाँ पर आने देंगे और इंडियंस भी कैनेडियंस भी वहाँ पर नहीं जा सकते, बिल्कुल उन्होंने एम्बेसी बंद कर दिया। तो ये दोनों के लिए जो है वो काफ़ी ख़तरनाक है, क्योंकि मुझे लगता है कि कनाडा के लिए ज़्यादा होगा इस टाइम, क्योंकि वहाँ पर इंडिया से बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो जाती हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए एक हब बन चुका है ना, बच्चे भी जाते हैं, उसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा जाती हैं वहाँ पर, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, तो इससे मुझे लगता है कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा ना डाउनफॉल हो सकता है और उन्हें काफ़ी ज़्यादा इससे चीज़ों पे ना काफ़ी घाटा भी बढ़ सकता है। मैं सीधी ये है कि उन्हें और भी काफ़ी जो ऐसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वो कर रहे थे वो भी नहीं होंगी, और पहले जैसे ऐसे रिलेशन भी नहीं रहेंगे कि जिस तरह से ये कहा जाता था कि इंडिया एक बहुत बड़ा हब है, इंडिया हर एक चीज़ में आगे है, ये है वो है, तो कनाडा का भी अगर हाथ उनसे पीछे हो तो काफ़ी चीज़ें जो हैं मैनेज करना उनके लिए मुश्किल होगा, मुझे ऐसा फील होता है, और कनाडा के लिए भी काफ़ी मुश्किल होगी। कनाडा में ये उन्हें है कि वहाँ पे जाके इंडियंस जो है जहाँ पे उन्हें इतनी महंगी पढ़ाई करते हैं वहाँ पे जाके जब वो ही नहीं जाएंगे तो इतना पैसा कैसे जाएगा, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा। तो पाकिस्तान के लिए चांस है कि हमारे वीजे इजीली लग जाएंगे, उनके तो लाभ बंद हो गए हैं, तो हमारे लिए चांस पाकिस्तानी अप्लाई कर, मैं सीरियसली बात है कि मेरी अपनी एक कज़न है उसकी वहाँ पर शादी हुई है, उसने अपने हस्बैंड के पास जाना था और उसने वीज़ा अप्लाई किया, लेकिन पाकिस्तानियों को अभी भी नहीं मिल रहे, पाकिस्तानी अभी भी घसीटे जा रहे हैं, उनको कोई भी नहीं ये हो रहा कि हाँ आप आसानी से मिल जाएंगे, ये चीज़ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं मिल रहे। तो वैसे एक और चीज़ हो रही है कि मतलब जो इंडिया को इल्ज़ाम लगाया जा रहा, तो अभी रिसेंटली फेमस सिंगर सिद्धू मूसेवाला को मारा गया, तो अभी रिसेंटली एक शुभ सिंगर है उसको भी धमकियां दी जा रही है, ओपन धमकियां दी जा रही है, तो अपनी तो इंडिया का हाथ। पहली बात ये है कि जो सिंगर होते हैं उसका काम नहीं होता सियासत पे जाना, ऐसी है ठीक है, अगर वो कहते हैं कि मैं एक ट्रू सिख हूँ मुझे अपने मुल्क के लिए आज़ादी चाहिए, तो भाई एक या तो सियासत
या आप खुद को गुलकार कह लें, ठीक है, आप दोनों चीजें साथ लेके नहीं चल सकते हैं। अब आपको सोचें, जब सिद्धू मूसेवाला का ये एक्सीडेंट सामने आया, उनके अपने दोस्त इन्वॉल्व थे उसमें, ठीक है, वो क्यों इन्वॉल्व थे, क्योंकि उनको पता था कि ये काफी फेमस सिंगर है, और अगर देखा जाए तो उसकी पॉपुलैरिटी भी बहुत ज्यादा है, चाहे आप यहाँ पर बात कर लें चाहे आप इंटरनेशनल लेवल पर बात कर लें। उन्होंने सारा कुछ प्लान बनाया, उन्हें मरवा दिया। अब खालिस्तान की जो तहरीक है वो तो इंडिपेंडेंस से पहले की चल रही है, ठीक है, वो तो पहले से ये चाह रहे हैं कि हम भारत से अलग हो जाए, हमें ये सिस्टम चाहिए। अब नरेंद्र मोदी तो आए, अब वो क्या कहेंगे, जब नरेंद्र मोदी पैदा भी नहीं उसके ऊपर इल्जाम लगाया, कुछ ख्याल करो, ऐसा कोई सीन नहीं है। आप पहले जाके हिस्ट्रीज मालूम किया करें, फिर आकर आप किसी पे कह लें कि बहुतान वगैरह लगाएं, एलिगेशंस लगाएं, बहुतान वगैरह लगाएं, तो आई डोंट थिंक दिस इज अ प्रॉपर वे। और अब आई थिंक सो कि उन्होंने माफी भी मांगी है, जो कैनेडा जस्टिन है ना कैनेडा के, उन्होंने कहा कि भाई मुझे माफ कर दे, मैं थोड़ा सा ज्यादा हाइपर हो गया था, तो मेरे ख्याल में अभी भी जो वीजे उनको दोबारा से वो नहीं किया गया, सस्पेंशन से नहीं हटाया गया। तो पहले करतूत ना करें, पहले सोच समझ के हरकत करें। इंडिया इतनी बड़ी इकॉनमी है, उसके सामने आप टक्कर रहे हो, तो अमेरिका को टक्कर दे रहा था, फिर कनाडा क्या चीज है। लेकिन वैसे पाकिस्तान को फायदा तो है इसमें कि हमारे वीजे लग जाए, जिनके वीजे से मैं पिछले दिनों सुन रही थी किसी ने कनाडा के लिए अप्लाई किया हुआ था, उसका वीजा रिजेक्ट हो गया था। आप भाई कर लो, दोबारा करो, आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, कंफर्म है, लग जाएगा वीजा तुम्हारा। जो वीजे बंद हो गए इंडिया के, उससे हमें कोई पाकिस्तान को कोई फायदा हो, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऑलरेडी आप देख ले आधे से ज्यादा तो इंडिया जो है वो कनाडा में बैठा हुआ है। अभी मैं पिछले दिन एक मीम स्क्रॉल हो रही थी, उसमें कहा हुआ था कि हाँ जी मैं पहुंच गया कनाडा, पर लग नहीं रहा कनाडा, अभी तो ज्यादा इंडियन फील हो रहे हैं वहाँ पे, आधे से ज्यादा इंडियन वहाँ पे टोरंटो में फिर रहे हैं। मतलब पाकिस्तान को इसका कोई खास फायदा नहीं होने वाला, क्या फायदा होगा पाकिस्तान के वीजे, आपको पता है इतनी मोटी फाइल मांगते हैं वो लोग, ऐसी है एम्बेसी वाले, इतनी मोटी फाइल, और उसके बाद रिजेक्ट करके मुंह पे मार देते फाइल। ये हाल है हमारा, ये हमारी इकोनॉमी की वजह से हो रहा है कि हमारी अपने हकों की वजह से हो रहा है, हरकत बहुत 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 करना चाहिए। हाँ ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमी जो है वो इतनी डाउनफॉल का शिकार है, उसके बाद आप खुद देखे हम लोग जाते हैं और जो वहाँ पर कारनामे करते हैं सबके सामने। पाकिस्तान का क्या इसमें फायदा, कोई फायदा नहीं है पाकिस्तान का, फायदा इसमें कुछ भी नहीं नजर आ रहा ना। बात करने का मकसद है कि अगर उस ममालिक ने अपने शहरी कितनी तफुसात के लिए एक बंदे के कत्ल के लिए पूरे मुल्क बैन कर दिया, तल्लुकात खराब कर दिए, ये देखिए अपने मुल्क का कितना सोच रहे, अपने मुल्क की पब्लिक का कितना सोच रहे हैं। उधर बात करें इंडिया की, इंडिया भी फिर आंखों से आंखें डाल के बात कर रहा है, अगर आपने तल्लुकात रखना ठीक है नहीं तो बाढ़ में जाए आप, इस तरह के मोदी वो जो उनका इंडिया वो इस तरह की उनकी बातों कर रहा है। लिहाजा अभी तक उनके मामला खराब, बहुत ज़्यादा शंगीदगी, और सिखों का बात करें तो भी इंडिया के अंदर खालिस्तानी तरीक चली हुई है, तो इंडिया के मुताबिक ये भी कह रहे हैं कि वो दहशत गर्द था जो कत्ल हुआ, ये वो वाला वाला इनके आपस के मामला है, अंदर खुफिया एजेंसियों के क्या मामला, तो क्या नहीं जानता है, वो ही बेहतर जानते हैं। तो ये खालिस्तान की जो है तहरीक, इसका पाकिस्तान के साथ कोई है अटैचमेंट, के मतलब पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है, पाकिस्तान की क्या इन्वॉल्वमेंट है, पाकिस्तान अलहदा मुल्क है, पाकिस्तान के तो साथ अब भी आप देख लें ना, हमारा जो क्या नाम लेते थे बांग्लादेश, बांग्लादेश उदा हो गया, पाकिस्तान इसमें क्या कर सकता, पाकिस्तान में कोई किरदार नहीं है। खालिस्तान तहरीक है, खालिस्तान जो तहरीक है वो सिखों का किरदार है, वो सिख कहते हैं अलहदा मुल्क बनाए, जो कि एक बहुत मुश्किल बात बनी पड़ी है, इससे बात से काफ़ी उनके आपस में झगड़े से चल रहे मामला, इसी वजह से वो कत्ल भी हुआ। अब देखें आगे क्या बनता है, कोई कुछ नहीं कहा जा सकता।